वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। यह सॉल्यूशन वीडियो है कि आप लोग किस प्रकार आंसर लिख के आए हो उसको आप लोग मिला लेना, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में, ड्यूरिंग अवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी गेव अप देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री, इसमें आएगा मार्टर्स आएगा, ठीक है बच्चों, बी वाला आएगा। दूसरा देखिए, जिल पेड 10 पाउंड, तो चेक देती है ना, तो चेक का आपको स्पेलिंग बताना है, तो स्पेलिंग आएगा सी, चेक। तीसरा देखिए, डैडी हैड ए स्टडी जॉब इन त्रिवेंद्रम, ए वर्ड विच इज एन एंटोनिम टू स्टडी, स्टडी का एंटोनिम क्या होता है, यानी विलोम शब्द, उसका आपको बताना है, टेम्पररी आएगा। अगर आप लोग बनाए होंगे तो इसमें नंबर मिलेगा। आगे देखिए चौथा, द ओल्ड बेगर हैड ए डैश ऑफ चपाती इन हिज बाउल, तो यहाँ पे जो पीस है उसका आपको सही स्पेलिंग के साथ लिखना था, तो पीस की स्पेलिंग देखिए, ये वाला बी वाला आएगा। आगे देखिए पांचवा, ही हैड रिटन ऑन ईमेल टू मी, ईमेल इज सिमिलर टू, तो जो ईमेल है वो किसका सिमिलर है, किसके समान है, उसको आपको बताना है। तो देखिए एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं लेटर। अब देखिए बी वाला में क्वेश्चन एक का बी, ये आपका ग्रामर से 5 नंबर का, वर्क हार्ड लेस्ट यू, इसमें क्या आएगा, सूट आएगा कि मे आएगा कि कूड आएगा, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू, इसमें देखिए मे आएगा। दूसरा देखिए, द डॉग जम्प्ड, इसमें आप लोग लिखे होंगे तो मिलेगा नंबर अगर आप लोग इनटू डाले होंगे तो। तीसरा देखिए, आई गो फॉर ए वॉक फॉर, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल में देखिए आएगा एन आएगा। चौथा देखिए, द टीचर वॉज स्टैंडिंग, देखिए इसमें आएगा आपका अमंग। पांचवा देखिए, माई अंकल डैश एव ए बाइसिकल वेन आई वॉज यंग, तो माई अंकल यूज टू, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे कूड आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए क्वेश्चन 1 का सी, मेज द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इसका आपको बनाना था, ही वॉज डिसपॉइंटेड, इसमें देखिए बी आ सकता है। दिस इज द प्लेस, यहाँ पे प्लेस दिया है यानी कि वो जगह है, तो ये वाला आएगा, ये आएगा। इस तरीके से आपको पूरा बनाना था, आप लोग बनाए होंगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा 5 नंबर, ठीक है बच्चों। सेंटेंस को पूरा पढ़ के आपको बनाना रहता है। यहाँ पे देखिए तीसरा, ये वाला, वेट हियर अंटिल आई कम अनलेस यू वर्क हार्ड, तो अनलेस लगा यानी कि ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे है यू कांट पास, इस ये वाला आएगा आंसर उसका। आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में है, बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो इसको आप लोग बनाए होंगे। छठवा देखिए, ये है इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ यूर न्यू हाउस, इसको ही मैं बताया था, हमारे पीडीएफ में है, आप लोग देख सकते हो इनाग्रेशन वाला। फुल फी कंसेशन भी बताया था। आगे देखिए क्वेश्चन 7 में, नोटिस एनुअल स्पोर्ट्स वाला मैं बताया था, और लॉस्ट बैग वाला बताया था, यहाँ पे पेंसिल आया है, यानी सेम है क्वेश्चन, ठीक है, बस वर्ड जो है चेंज है। आगे देखिए, राइट ए पैराग्राफ है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो आपको ये जो कीवर्ड दिया है इसको मिला के लिखना था, सब कीवर्ड को मिला के आपको पैराग्राफ बनाना था। इसी में आया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन। नौवा में देखिए, डू एज डाइटेड टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इसमें आपको जीरन का यूज करना था, जीरन यानी वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो टू वॉकिंग यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें आपको इम्फेटिक बनाना था इसको, तो क्या होगा, डू आएगा, आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तीसरा देखिए, योर सिस्टर वॉन द रेस, तो इसमें आपको क्वेश्चन टेक लगाना है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन टेक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो आपको डू डज डिड से मिला के आपको क्वेश्चन टेक बनाना था, ठीक है बच्चों, तो डजंट सी ऐसा आएगा, ठीक है। इसी देखिए चौथा, माय मदर इज़ कुकिंग फूड, इसका आपको पेशी वाइज बनाना था, फूड इज बेइंग कुक्ड बाय माय मदर। पांचवा देखिए, द टीचर सेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इनडायरेक्ट स्पीच इसको बनाना है, डायरेक्ट स्पीच है इसको इनडायरेक्ट बनाना है, देखिए ये जो है फैक्ट वाली बात है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस इसमें दैट जुड़ेगा, द टीचर सेट दैट, बस बाकी आपको सेम टू सेम लिखना था, अगर ऐसे बनाए होंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। इसका देखिए, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ, ये सब क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में है, बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। व्हाट प्लेसेस डज सिम्बा इमेजिन,
आप लोग मिला लेना, पीडीएफ में है ये सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये पेजेस दिया गया है और नीचे क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव में है, इसको आपको बनाना था। बहुत ही सरल है ये। अब देखिए आगे एक और पेजेस दिया है, पेजेस तो बहुत सरल है, इसको आपको ढूंढना पड़ता है, इसमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसे मैं बताया था वंडर ऑफ साइंस, तो वंडर ऑफ साइंस आया है, थोड़ा सा अलग है इसका वर्ड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, माई हॉबी है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पीटीएफ में हैं, पीटीएफ से फंसा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी तक आपको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो इसलिए वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सभी तक शेयर कीजिए।